एक ओर जहां प्रदेश सरकार रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल में शराब की बिक्री पर जोर दे रही है, तो वहीं बीजेपी की ही महिला अध्यक्ष शराबबंदी पर जोर दे रही हैं। बुधवार को नरसिंहपुर पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया ने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान कही, शराबबंदी को लेकर दिया बड़ा बयान कि शराबबंद होना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी के संगठन को मजबूत करने नरसिंहपुर प्रवास पर पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने मीडिया से बात करते हुए शराब को सामाजिक बुराई बताते हुए प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। उनका कहना है कि समाज को यदि अपराध मुक्त रखना है तो शराबबंदी होना आवश्यक है। देखिए, शराब के बारे में और नशा मुक्ति के बारे में मैं एक महिला होने के नाते अपना व्यक्तिगत जो मेरा कथन है वो ये है कि हमारे जो नशा की जिनको आदत लग चुकी है उनको नशा से दूर रहना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। अगर वो शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी दुकानें सब बंद हो जाएंगी। नहीं, मगर कहीं ना कहीं आप लोग आपकी सरकार में है तो आप प्रयास कर सकते हैं नशा शराबबंदी के लिए। हम प्रयास तो शराबबंदी के लिए भी करेंगे और संदेश भी देते हैं, लेकिन अगर सब लोग ये नशा करना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपकी पार्टी मुख्यमंत्री पक्ष में है क्या, शराबबंदी होना चाहिए प्रदेश में? हाँ, मैं होना चाहिए उस पक्ष में तो मैं हूँ। आपकी सरकार जो है कदम कदम पे और दुकानें खुलवाने के मूड में नजर आ रही है। नहीं नहीं, अभी कदम कदम पे दुकानें नहीं खुल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ बोला है कि अब कोई नई दुकानें भी नहीं खुलेंगी और जो क्षेत्र हैं उनसे मतलब शहरी क्षेत्र से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे में मुख्यमंत्री ने ये आदेश भी पारित किया है कि अब मॉल में शराब मिलेगी, मॉल में बियर मिलेगी, तो ऐसे में तो अपराध और बढ़ेगा प्रदेश में। अब उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय में भी थोड़ा सा, लेकिन नशाखोरी से दूर सभी को अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से इन सब बुरी आदतों से हमें दूर रहना चाहिए, अच्छी चीजों का सेवन करेंगे। आप पक्षधर हैं ना शराबबंदी के मध्य प्रदेश में? हाँ, होना चाहिए। और कुछ पूछो मैम? आप नरसिंहपुर से यूडी न्यूज के लिए अंकित नेमा की रिपोर्ट।